फिल्मों में काम करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। 16 साल की उम्र में बॉलीवुड डेब्यू किया। लुक्स की वजह से लगातार रिजेक्शन झेले, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। एड़ियां घिसती रहीं, ताने सहती रहीं, रिजेक्शन झेलती रही, लेकिन लगी रही, संघर्ष करती रही। संघर्ष करते करते 15 साल निकल गए, लेकिन अभी भी इंडस्ट्री में इन्हें पहचान नहीं मिली थी। लेकिन 15 सालों बाद किस्मत ने पलटी मारी और उनके हाथ एक ऐसी फिल्म लगी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। और पलक झपकते ही ये एक्ट्रेस कैटरीना, दीपिका और आलिया जैसे एक्ट्रेस को छोड़कर काफी आगे निकल गई। इस एक्ट्रेस का नाम है अदा शर्मा। आपको सुनाएंगे इस एक्ट्रेस की पूरी कहानी। उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदा शर्मा ने 16 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। हालांकि बॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू करने से पहले एक्ट्रेस को अपने लुक्स की वजह से कई रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा था कि हाँ, मेरे करियर की शुरुआत के दौरान मुझसे कहा गया कि तुम अच्छी नहीं दिखती और मैंने इसे दिल पर ले लिया। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि अगर वे मुझे रिजेक्ट करना चाहते हैं तो वे मुझे रिजेक्ट कर देंगे, चाहे मैं कैसे भी दिखूं। लेकिन अगर मैं किसी भूमिका के लिए सही हूं तो वे आपको एक प्रोजेक्ट के लिए काम पर रखेंगे। कई रिजेक्शन झेलने के बाद एक्ट्रेस ने विक्रम भट्ट की फिल्म 1920 से बॉलीवुड डेब्यू किया। फिल्म सफल रही और फिल्म में उनकी एक्टिंग को भी दर्शकों ने काफी सराहा। इसके बाद उनकी ज्यादातर फिल्में जैसे हम है राही कार के, कमांडो 2, हंसी तो फंसी और अन्य फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को प्रभावित करने में असफल रहीं। इसके बाद मानो एक्ट्रेस का उल्टा टाइम शुरू हो गया। उनकी कोई भी फिल्में हिट नहीं हो रही थी। 15 साल तक एक्ट्रेस को कोई हिट नहीं मिली और ऐसा लगने लगा कि अब उनका करियर ऐसे ही स्वाहा हो जाएगा। लेकिन फिर फिल्म डायरेक्टर सुदीप्तो सेन की एक फिल्म अदा शर्मा के हाथ लगी और इस फिल्म के जरिए उन्होंने ऐसा कहर बरपाया कि अब वो बॉलीवुड की सबसे चर्चित एक्ट्रेस में से एक बन चुकी हैं। सुदीप्तो सेन की एक फिल्म थी द केरला स्टोरी। इस फिल्म ने अदा शर्मा की जिंदगी बदल दी और उन्हें सुपरस्टार बना दिया। फिल्म को लेकर काफी विवाद हुए, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपए था और इसने वैश्विक स्तर पर 303 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म ने अपनी लागत से 1400% का मुनाफा कमाया और यह 2023 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई। अदा ने अपनी एक ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर कई दिग्गज एक्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया। अब वो अपनी आगामी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। आपको अदा शर्मा की एक्टिंग कैसी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।